उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री सबसे पहले भारत माता जनहित ट्रस्ट द्वारा आयोजित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के भारत माता आराधना यज्ञ में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पंत द्वीप मैदान में ब्रह्मलीन जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य महाराज की श्रद्धांजलि सभा में भी भाग लिया। राज जी का बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर उन्होंने, मैं कहूँ कि मार्गदर्शन किया है देश का, भारत माता मंदिर स्थापित करके। और आज यहाँ पर जो भारत माता यज्ञ हो रहा है, भारत माता की आराधना के लिए और उसकी मजबूती के लिए, मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का जो सोच है वो बिल्कुल समीचीन है और देशकाल परिस्थितियों के अनुकूल है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सभी देवी देवताओं को छोड़ करके आने वाले 50 साल हमको राष्ट्रदेव की आराधना करनी चाहिए। उसी सोच को पूर्ण कर रहे हैं पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज और उनके जितने भी सहयोगी हैं, हम सब उनके साथ में। देश के संगठन के लिए हंस देवाचार्य जी महाराज ने बहुत काम किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन लगभग बंद हो गया, लेकिन ताल कटोरा मैदान में हजारों संतों को इकट्ठा करके, जो विद्वान भी थे सामान्य लोग भी थे, एक बार फिर से उसको जागृत किया। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता सर्वोच्च है, इससे पहले भी बन सकता था मंदिर, लेकिन वो हम सब लोगों ने सोचा उचित मार्ग में मध्यस्थता को आप वो गए समर्थन करते हैं गुरु जी। हाँ, मुझे लगता है कि ठीक होगा। क्या आप जल्द से जल्द राम मंदिर बन पाएगा? मध्यस्थता के तो बता दीजिए थोड़ा भी। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा। अभी जब धर्म संसद हुई और उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर के जिस आक्रमकता के साथ, कह सकता हूँ मैं, वो आगे बढ़े थे और ऐसे में असमय उनका चला जाना बड़ा ही कष्टप्रद रहा है। मैं उस दिन कहीं बाहर जा रहा था, मुझे रास्ते में ही खबर मिली कि ऐसे हो गया है और बड़ा, अब हम यही कह सकते हैं कि उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा रही है वो श्रद्धा सदैव ये बनी रहेगी, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। और जो यहाँ पर जो भीमगोडा से हाईवे तक के मार्ग का नाम पूज्य स्वामी हंस देवाचार्य जी के नाम से किए जाने की अपेक्षा की गई है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। और जो घाट है उस घाट का नाम भी उनके नाम से किए जाने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पंजाबी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जी का, उन्होंने जो पुलवामा के शहीद हैं और जो हमने उत्तराखंड में एक कोर्स ऐसे जो शहादत दे रहे हैं देश के लिए, उनके लिए एक कोर्स स्थापित किया है, उसमें पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी नीलकंठ के द्वारा 5,11,000 रुपए का चेक मुझे दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।